आज अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों और पार्षदों के बीच विकास के मुद्दों को लेकर वर्ष 2020 की पहली बैठक हुई, जिसमें लंबे अरसे से रुके हुए विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई और उन पर अधिकारियों से पार्षदों के द्वारा अप्रूवल भी ली गई। आज डेवलपमेंट के काफ़ी मुद्दे, विकास के मुद्दे थे हमारे पास। सबसे बड़ी बात जो थी, इसमें दो मामले ऐसे थे कि लगभग एक साल पहले हमारे माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने 20 लाख रुपए पाइपलाइन के लिए, परेड पे पानी के लिए ताकि स्वच्छ पानी लोगों को मिले, और 15 लाख रुपए गुरुद्वारा सिंह साहब में धर्मशाला बनाने के लिए दिए थे। वो किन्हीं कारणों से डिले होता गया, उसके बाद आचार संहिता लग गई, इलेक्शन आ गए तो वो डिले हो गया था। वो आज हमें खुशी है कि आज हमने वो दोनों चीज़ें अप्रूव की हैं और उनके शॉर्ट टर्म टेंडर भी हमने कर दिए साथ साथ, तो वो ये दोनों चीज़ें जो है लगभग एक महीने में काम शुरू हो जाएंगे। और लोगों को जो सुविधा माननीय मंत्री जी ने दी है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले और एक गुरुद्वारा सिंह सभा में एक धर्मशाला का निर्माण, तो ये दोनों चीज़ें हम कंटोनमेंट की जनता को बहुत जल्दी। ये जो हमारा परेड एरिया है, ये बी4 लैंड है जहाँ पर हमारे काफ़ी साल से